हेलो जी, राम राम जी सारा ने। और सारे के सारे किसे उम्मीद करूँ, सारे बढ़िया होगे और भी बढ़िया ही रहने चाहिए। टाइम है यो है, सुबह के बज रहे थे 8:30 का टाइम हो रहा था जब तक व्लॉग स्टार्ट करया। बालक स्कूल में भेजे थे भाई, तो व्लॉग ने पूरा देखियो, बहुत बढ़िया बना रखा है। और भी बढ़िया लगे तो लाइक कर दिया करो, जो चैनल पर नए आऊँ वो चैनल ने प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जा करो भाई। तो ये भी मैंने अभी इस तरह की था तो उठती कर दी थी, फिर ना जो करते लते मैं दिल्ली जाने से पहले लते धो के गई थी। और तो जबकि अभी ये इनके धरे थे तो ये और तो जगह है कोनी, तो मखा पहला ही ना निपटाऊंगी क्योंकि इनके धरने पड़ा ठाक बूंडे भी लागे दरे दरे। तो इनमें ज्यादातर लते जो बालका के हैं तो बालका के अगर परेस तो कम हो जाकर, क्योंकि ये छोटे छोटे लते इनके के परेस हो तो मखा सबसे पहला बालका के कपड़ा का तय कर गदर तू। जब बाग कुछ रहा पाओगा ये कपड़े नमटे पाछी, एक बन धरने पड़ा है मैंने ठाक है एक बार नूंदर नहीं पड़ा है, तो मैं कहा पहला ही नल त्यान नमटाऊ हूँ। और भी परेस हो रही है मेरी खराब, वह मतलब बेरा ना उसमें कोई नट नट ढीला होकर और ऊपर का उसका वो हैंडल सा लकड़ रहा है और नट नट सारे ढीले हो रहे। तो गरा तो उस तक किसी कोई ताली चाबी थी नहीं ना, तो गोरा भी करडे कर ले, तो वह एक बार मिस्त्री का जा रही है मखाई तरह साँझ दिया वह भी आ जाएगी। तो भी मैं ना जो करते बालका के छोटे लत्या कर इनका तो गल गल तय करके ना अलमारी में धर दूंगी ना बालका की जो छोटी अलमारी उसमें। और जो मेरे सूट सलवार लते ना ये वह के ना लेट होगी ना, तो मैं गल गल तय करके धर दिया करती, पर इसका टाइम ना लगता ना। तो या मेरी उसी अलमारी है जो या फोल्डेबल अलमारी है जो फोल्डिंग वाली, तो इसमें दर दिया करूँ मैं अपने जो करते सलवार सलूर कुर्ते ना, तो इनू किनू तो पड़े तो बूंडे लागत है, मैं इन किनू किनू तय कर ना बना परेस करे तय करके दर दिया करूँ मैं पड़े पड़े बूंडे लागर। फिर टाइम लागे ना जितना का टाइम लागे दो से आकर चार आकर या फिर भाई सारा का लागत, तो सारा का परेस फिर कर दिया करूँ। तो मैं खाई तेने ये करूँगी इनका मन तो बूंडे लागे इनके बड़का क्या किता तय करके बड़का की अलमारी में दर दूँ। और जो बड़े लते हैं ना मेरे हैं तो उनका तय करके ना उन दूसरी अलमारी में दर दूंगी। सांस दिया परेस आ गई तो सन परेस कर दूंगी, गणियान बैठ कर काम तो उनता को नहीं भाई। तो संदूक पर पिछली बार भी मैंने खड़े खड़े संदूक पे करी थी, खड़े खड़े तो सारा काम हो गया है। उधर जो रह रहा है ये बिना का एक दिन मोर जावेगा तो दिक्कत सी तो हो जावे, जो करते बैठ कर कोई भी काम कर कासन कुसन दो कई बार जो कर लाग जाए 4-5 मिनट लगती बैठी रह जाओ तो फिर नैड में दर्द साउन लाग जावे है, हाथ में भी रह रहा ही बदर्द गति दाऊ ठीक नहीं होया है। तो याड है इनके बड़का के गणी हो जाए क्योंकि गर्मी में रोज लकड़े भाई, कई बार तो दो दो भी बदल लिए रात ने कोई निकर कर लिए तो वह फिर तड़के ना पैर दो दो जो तीन तीन जोड़ी मैले कर दे हाँ बालक। तो भी वो लोग ने पूरा देखियो, देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। फिर कहूँ तुमने सारे ने बीच में स्किप मत कराया करो है ना, तो स्किप कर दो फिर थोड़ा इंटरेस्ट साट जावे ना, फिर नू स्किप कर करके देखने में अच्छा सन लगता। तो भी यार ही मन कई बार होगी थी बैठे बैठे तो कुछ लते रह रहे मखा इनका थोड़े से दो चार लता के इनका खड़े खड़े कर दूंगी। और बाकी क्या कर जो प्रेस के हूँ ना तय करके ना और अलमारी में ला दूंगी गल गल लत्या ने। भी जो करते कल परसों मूड जा रही थी तो तुम सारे कमेंट करके बुझण लग रहे थे एक बेबे के ले लाई दिल्ली तो यो सूट कितने का लाई, यो मतलब कितने का लाई, यो कितने का कितना कौन सी मार्केट है। तो भाई के लाई वो सारा मैं तुमने वीडियो में दिखा दूंगी, ब्लॉग में बने रही एंड दिया। और भाई जो कल वाला सूट पहन रही थी उसकी भी बताऊंगी वो कौन सा कपड़ा है, कौन सी मार्केट में आके लाई, कह रहा पिया का आया है, क्योंकि उस सूट की भी गणी कमेंट आ रही थी। तो भाई मखा कमेंट में भी क्या कहा जवाब को नहीं दिया जो जय कर कहना, तो मैंने वो पाछे मुखा इसमें अलग क्लिप बना कर ना व्लॉग में और उस क्लिप में बता दूंगी मैं सारे ने, क्योंकि विवेक एक आदमी तो बताओ तो कण करे कमेंट पढ़ ना पढ़ एक तरी रिप्लाई दे दिया तो नू थोड़ी नाक भी सब ने बेरा लागी। तो भाई मैं सारे ने बता दूंगी ठीक है ना, यो लास्ट में दिया बने रही हो। और भाई किस बड़ सस्ता सामान मैं लवा भी बताऊंगी तुमने भाई किस डाल तक सामान लेना चाहिए। इब गण खरे कह तो दे हाँ भाई सदर में सस्ता सामान मिले सस्ता सामान मिले उड़े सस्ता सामान मिले, वो किस बड़ मिले सस्ता सामान वो थमने मैं बताऊंगी वीडियो में। थारे मारे जी से जो करते ही कोई जानकार थी मेरी साथ तो प्रियांशी जब भी क्योंकि वह तो ले का सामान कोई सिंगल आदमी नु कानू चला जावे है जो करते कोई अपने घर तिया सामान समून लेने चला जावे तो उड़े उसने भी कट है नु बड़ में, तो भाई उसने इतना सस्ता सामान ना मिलता बिना नॉलेज के आदमी ने ना जाना चाहिए। मैं तुम्हें ये कहूँ हूँ क्योंकि गणखरे चले जावे कावे माँ का उड़े सस्ता मिल रहा है, उड़े न्यू मिल रहा है, उड़े न्यू मिल रहा है और उड़े बढ़िया मिल रहा है, उड़े इससे सस्ता मिल रहा है, ये सब कुछ ना होता क्योंकि जानकार साथ में हो ना। और भैया फिर आप अपनी शॉप थी सामान ले हो तो फर्क रहा है ना, तो भाई ये काटे हैं सारे का। तो ये मेरे सूट थे देख लो इनकी तय करन लाग रही भी इनकी तय करके है ना अलमारी में धरूंगी, पर इसका टाइम लगेगा मैंने शाम ने ना लग गया तो तड़के फिर नू ये बूंडे से ना लागन शाम ने भी ना लग गया ना,
तो तड़का कर दूंगी, एक दो दिन पे सकते टाइम ना लगे, इतने दोबारा दूंगी नहीं, इतने बूंदे ना लगेंगे, तो ये 5-6 सूट होंगे मेरे ख्याल से इतने पावेंगे। और एक दो सूट मेरा पहले डिगे डाला मा कब बच रहा है ना परेस करेगा भी, क्योंकि गणे लत्ते हो जा तो मेरे जी ना बन जा, फिर मैंने मुश्किल से हो जाए नमटाने, तो जा करके मैं गणे ना करती अपने गल गले दो जब्बे कर दिया करूँ। सुना के यो सीत का डेग चौर ले जब अखर में बीत जाएगा इतने कल का है यो उसा हो जाए देख कल का है बखर मंगाल दे बाबू बखर वे होगा जब बीत जाएगा इन्हें ना गालूंगी उसने चुनने थे उड़े गाल दे चुनने भीतर ठक लूं तो सुने बस पानी गाल का दर्द देने फिर मांझ देंगे पानी गाल का दर्द देने फिर मांझ देंगे चुनने गाल को पोचा मार के पहले ना आऊंगी ना तो कुछ ना आ रहा ड्रामिंग थोड़ी अगे ने कर ले खंडा ना गा ये तो गर्म ना रह रहा वा छाम दे रहा कही आना गा इतना टाइम फिर हमने तो कौन है ना तन्ने जाना दफ्तर में पहले ऑटो ना खाली कर कहूं फिर देखो खेत का काम कौन है आज मेरा पापा लिया आया खेत में बता देखो वो सोचूंगा उन्हें अकेले ले जा फिर छोटे टाइम कड़ा बचा है काम हो गया तेज सैनी बच रही है शाम ने देख लेंगे बाल नहीं थे पंखे गया हुआ बार फिर गणा जरूरी है बस ही सौदा खाना अपने पैर पिस जाए सुना है के परेश ठीक कर रखे हो तो थाले ही हम ताल त्याग करूंगी वो सारा बड़ा बेच दिया के काटड़ा वो के बदले या छोटा आ गया प्लस का के करेगा खेत में ये एक कदन का हो गया आज गोबर है एक दिन का हो गया यू आज इबरात ना उड़ बंद है ना उड़ बंद आ करती जब थोड़ा होया करता एक पत्थर लाग जाएगा इब का नागता में और इब करेंगे देख ले अभी नाट वा स्टार्ट करने ही आ है होगी 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 पूरी प्रैक्टिस हो रही है धूमा का डह नराया
कल सारे ना ही सूट की पहन रही थी मैं, जो योड़े थे दिल्ली ते लेके आए थे, तो इसकी कमेंट कर पूछे थे सारी यो कड़े तलिया कड़े तलिया। तो भाई ये हम सदरमा के लेके आए थे, तब मैं रुकन के नाम की ना गई थी, फिर उसने जाए पीछे प्रियांशी ने नहाण दिया कि रुक जा। तो एक दिन फिर मैं रुकी गई थी एक रात, फिर मैं कपड़े ना लेकर जा रही थी, तो जानते ने बोली चल तू मार्केट भी देखे ये और कपड़ा भी ले आऊंगे कुछ। तो फिर हम सेम से लिए मां सेम पैर लेंगे ये, और रियोन का कपड़ा इसका नूनी भी कोई और पूरा हैवी कपड़ा रियोन का पूरा वो है, और नाजमीन का दुपट्टा इस पर पूरा चौड़ा चुगर देख लैस लग रही है, या पैंट पैंट के नीचे भी तुमने देखी होगी, पैंट के नीचे भी यह देख लो आगे कट है इसमें साइडा में, और ये नीचे देख लो। और फिर भी सब गुण खरिया इसका रेट पूछा रेट कितना है, तो फिर मखा कमेंट में कौन ये के का कौन जवाब दे पाई। तो भैया हम ना शायद 600 रुपया के लेके आए थे दोनों जनी देख लो, और ये साइडा मक कट थे इनके चाक पट्टी सी खुले नीचे अड़ा कमर तिया है इतने से बंद है ये डेती यार नीचे बाकी खुले ये कमीज की तरिया। तो भैया 600 रुपया के लेके आए थे हम रियोन के कपड़े में है, मैं वीडियो में बता दूंगी तुमने। और एक या जो मैं कुर्ती पहन रही या कुर्ती लेके आई थी या दी थी मेरे ख्याल था 150-150 रुपए की सी दे रखी है, शायद 150 की ये दी थी। और भी मैं कॉस्मेटिक का कुछ भी सामान ना लाई क्योंकि है ना दर्जन के हिसाब से ले मैं तो फायदा है उनमें, अर्जु करती पापा एक एक दो दो चीज ले मैं तो वे थोड़ी सी फिर भी कॉस्टली पड़ जावे हैं। तो जा करके मखा कॉस्मेटिक का और मेरे पास घना ही सामान है, इसके नीचे एक प्लाजो शायद वह भी पन्नी में दरी है वह सी सी 100 रुपया की 150 की सी प्लाजो दे रखा है चिकन से की कढ़ाई का। तो फिर मैं सलवार बढ़िया ला गया, अगर मैं सलवार के ऊपर पैर लिया तो देख लो इसका भी गढ़ होता बढ़िया डिजाइनर सा गढ़ बना रखे इसका। तो बस मैं तो इतनी थोड़ी सी शॉपिंग कर गई थी, मैं तो घूमने गई थी देखने गई थी भाई कितना के रेटा में के फर्क रवा के ना रहता है ना, तो मैंने थरते दी है बता। और एक बार मैं ना लू हूँ पोचा रह रहा मेरा मारना के, तो पोचा मार कर ना गिर ना तो ना का मार दूंगी पोचा।